इस सारे केओस का फायदा उठाया टीम सोल ने, जो जोन के अंदर एक बार फिर से आते हुए। हेक्टर हील बैटल के लिए जा चुके हैं, मैं कह रहा हूं उस प्लेयर को हील बैटल करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वो दो खिलाड़ी, दो मैच एक खिलाड़ी खेल के गया है, अभी भी आप देखें पूरा सर्कल उनके पास है, सबको ओपन से जाना पड़ेगा, चाहे वो एक्सो हो, चाहे आप यहाँ पे ओआर की बात करें, सभी को ओपन से निकलना है। देखना यह है कि कितना बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। बट एक्सो की ये मुझे खासियत काफी बढ़िया लगी, अगर मैं इनकी स्ट्रैटेजी की बात करूं, उन्होंने उन प्लेयर का जो व्यू था उसको ब्लॉक करा, अपने लिए पाथ नहीं बनाया। टीम के टीम सोल के दोनों खिलाड़ियों का जो पोजीशन था मोस्ट प्रोबब्ली एक्सो को पता था, और उनके मुंह पे वो जो स्मोक ग्रेनेड्स थे वो फेंके गए, और बड़े आसानी से जो ब्लाइंड वाला काम था वो कर दिया गया टीम सोल के लिए। बट अब एक्सो को देखना है कि उसका फायदा कितना बढ़िया तरीके से वो निकाल सकते हैं। दैट वाज क्रूशियल, क्योंकि इनको डाउन द हिल जाना है, इनको अगर स्ट्रेट यू नो जाना होता था वो पाथ बनाते हैं, बट नीचे जाना है, दैट इज व्हाई अपोनेंट का यहां पे उन्होंने विजन ब्लॉक किया। बट टीम सोल, दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज, बट एक्सो के प्लेयर्स बहुत करीब यहां पे आ चुके हैं। 16 अक्षत वहां पे रुके जरूर, एक शॉट देने की कोशिश, को काफी ज्यादा डैमेज दिया, नॉक करने का चांस, इमॉर्टल को नॉक करा जाएगा, बट अक्षत खुद भी यहां पर नॉक हो जाता है। ओमेगा को यहां पे कुछ ना कुछ मैजिकल करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज हेक्टर यहां पे नहीं है उनको कवर देने के लिए। सेंस से एचपी उनकी काफी ज्यादा कम, ये नेड अगर सही जगह जाता है डैमेज देगा, बट टीम एक्सो का प्लेयर भी हील बैटल के लिए जा चुका है। इट्स अ 1v1 हियर जोन के अंदर, और दो प्लेयर्स बाहर हील बैटल करते हुए। पंक हील बैटल नहीं कर रहे, वो कवर फायर दे रहे हैं, आप देखें बड़े आसानी से वो कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अक्षत, क्या इनको रिवाइव किया जाएगा? जी हां, बट पंक की मैं बात कर ही रहा था, और हेक्टर वो हील बैटल उन्होंने छोड़ा, और उन्हें पता था कि अपनी टीम को उनको जरूरत है, और इसी के चलते आप देखें एक बढ़िया नॉक उन्होंने निकाला, और सबसे क्रूशियल प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। पंक, जिनके पास पूरा एंगल था, उसको वहां पे डाउन किया गया। सेंसे द आईजी लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, हेक्टर खत्म हो गए, और सेंसे को यहां पे डाउन किया जा सकता था, एक खिलाड़ी को डाउन किया बट दूसरे को नहीं। और ओमेगा वो चेहरे पे जो ललकार है वो आप देख सकते हैं, बैक टू बैक दो विनर विनर चिकन डिनर, 10 टोटल फिनिशेस एक बार फिर से, जो कहा वो करके दिखाया। और मुझे तो लगता है टीम सोल का रॉकेट फाइनल्स में भी उड़ चुका है यार, वो अभी के लिए रुकने का नाम नहीं लेगा। बट ये सब बातें करेंगे मेजी, पहले ये बात करते हैं, मैंने दो टीमों का नाम लिया था, प्रेडिक्शन आपने मांगी थी, दोनों टीमें फर्स्ट एंड सेकंड पे। जी बिल्कुल, पोस्ट मैच सेगमेंट पावर्ड बाय लोको की तरफ चलेंगे। टीम सोल 25 अंक के साथ एक बार फिर से, टीम एक्सो 17 के साथ, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 15, ओआर 13। ये चार टीमों को हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ऊपर, एक बार फिर से इन चारों के बीच में वो जो कंपटीशन है वो हमें देखने को मिलता हुआ। ये जो बाकी की 12 टीम्स हैं उनका जो कंपटीशन है वो कब तक आएगा, इंतजार रहेगा। बट निकमा गैलेक्सी खुश होगी अपने इस प्रदर्शन से, कम से कम 9 अंक इस मैच में वो लेके गए हैं। बट वहीं पे 7C की बात करें, 5 काइनेटिक्स 0 के साथ एलिमिनेट हुई, बहुत खराब जो प्रदर्शन था वो जरूर हमें देखने को मिला। गॉड कितना सुने होंगे अपनी टीम से वो तो हम बाद में पता करेंगे, बट टीम INS पिछला मैच काफी बेहतर, पहला मैच प्लेसमेंट निकाल के गए थे। कहीं ना कहीं प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर वहाँ पे, जैसे गॉड ने ब्लंडर किया वो भी मेरे ख्याल से प्रेशर का ही एक कारण था। एंड आई फील कि कमबैक करने के चांसेस अभी भी हैं, बट हमने यू नो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भी बार बार यही बात करी थी कि समय आपके पास है, समय आपके पास है, या तो समय भी बहुत कम है, 4 दिन आपके पास है, 6 मैचेस आपको रोज खेलने हैं। इट सीम्स लाइक कि टीम काइनेटिक को दे हैव टू डू समथिंग अमेजिंग अगर उनको कमबैक करना है। चलते हैं अभी IQMBB की तरफ, जहां पे जरूर आई फील आपको सोल ओमेगा कप्तान खुद देखने को मिल जाएंगे। टीम सोल के 4 फिनिशेस, 785 का डैमेज, 1 हेडशॉट, 2 असिस्ट, काफी शानदार प्रदर्शन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। साथ में अक्षत भी हमें देखने को मिलेंगे टॉप 5 में, 4 फिनिशेस उनके नाम भी थे, हेक्टर एक निकाल के गए, गॉबलिन एक फिनिश निकाल के गए। बट पंक, जिस तरीके से वो खिलाड़ी का हमने स्प्रे देखा है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बट हेक्टर की तारीफ बनती है जिस तरीके से उस प्लेयर ने वो हील बैटल छोड़ा और अपनी टीम को उन्होंने सपोर्ट करा है कि चलिए ठीक है मेरी टीम को ज्यादा जरूरत है, हील बैटल तो हम बाद में देख लेंगे। बट वो जो खिलाड़ी ऊपर बैठा हुआ है ओमेगा, वो रिवाइव नहीं कर सकते थे, पुश आता जरूर अगर वो पंक को वहां पे डाउन ना करते। जैसे ही पंक डाउन हुए एक इजी फाइट हमें देखने को मिली अक्षत, 4 फिनिशेस के साथ, नकुल की बात करें 4, रॉनी आज के दिन पे ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ, स्माइल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और जो गेम है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बस सेंसे द आईजी एक फिनिश और डैमेज देखे आप 642 का। जी हाँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सानो के मैच में वापसी करी है टीम एक्सो ने, और ये बनता भी था क्योंकि उनका फेवरेट मैप बन चुका है ये, काफी अच्छा वो खेलते हैं इस मैप के अंदर, भले हील बैटल नहीं करा बट उसके बावजूद भी जो रोटेशन थी वो अव्वल दर्जे की थी। अभी के लिए चलते हैं मैच समरी की तरफ, जहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे 6 ग्रेनेड, जो सानो के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे मेजी, बिकॉज सानो में ज्यादा नेट्स यूज होते नहीं है। 53 प्लेयर नॉक हुए, 57 फिनिशेस मिले, 2 ड्रॉप्स को लूटा।